चांद पर एक बार फिर इंसानों को भेजने के लिए रेस चल रही है। इस रेस में सबसे आगे हैं अमेरिका और चीन। अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी रिसर्च को साझा करता है, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो अपनी रिसर्च को दुनिया और दूसरे देशों के वैज्ञानिकों के साथ जल्दी साझा नहीं करता। विस्तारवादी सोच रखने वाले चीन को स्पेस में आगे बढ़ना चिंता की बात है। नासा के प्रमुख भी चीन के चंद्रमा पर जाने से चिंतित हैं। उन्हें डर है कि चीन चंद्रमा पर अपना दावा ठोक सकता है। इसके बाद वो अमेरिका को वापस लैंड करने से रोक सकता है। नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने एक इंटरव्यू में कहा है, ये एक फैक्ट है, हम अंतरिक्ष रेस में सबसे आगे हैं। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि चीन वैज्ञानिक शोध की आड़ में चांद पर अपनी जगह न बना ले। इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। हो सकता है एक दिन चीन कह दे कि हमारा क्षेत्र है और यहाँ से आप दूर रहें। बिल नेल्सन को 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नासा का प्रमुख नियुक्त किया था। नेल्सन ने चांद पर चीन के रिसर्च को लेकर चिंता जाहिर की है। क्या चांद पर चीन कर सकता है कब्जा? चीन ने स्पेस के मामले में पिछले कुछ वर्षों में तेजी पकड़ी है। 2019 में चीन ने चांग 4 मिशन के जरिए चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से का पता लगाया था। ऐसा करने वाला ये पहला देश था। नेल्सन के मुताबिक चीन चंद्रमा की सतह पर मौजूद संसाधन संपन्न इलाकों को कब्जाना चाहता है। चीन बाकी देशों को चांद पर अपना मिशन पहुंचाने से रोक सकता है। नेल्सन ने कहा कि अगर किसी को संदेह हो कि चीन ऐसा नहीं करेगा, तो एक बार इस पर गौर कीजिए कि उसने स्पैटली आइलैंड के साथ क्या किया था। चांद के लिए फिर से मिशन शुरू। स्पैटली द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में एक विवादित हिस्सा रहा है। चीन का दावा है कि इस पर उसका अधिकार है और उसने द्वीप पर हथियारों का भंडारण किया है। कहा यह भी जाता है कि द्वीपों पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर रखने की भी जगह है। लगभग 50 वर्षों तक इंसानों से अछूते चंद्रमा पर एक बार फिर दोनों देशों का टारगेट बन गया है। नासा ने इंसानों को चांद पर पहुंचाने के लिए आर्टिमिस प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक मनुष्यों को चांद पर वापस भेजना होगा।